अपनी ही पार्टी को अक्सर घेरने वाली उसिया विधायक दिव्या मदेना को राजस्थान सरकार ने बाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। दरअसल हाल ही में भोपालगढ़ कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान विधायक दिव्या मदेना की गाड़ी पर हमला हो गया था। इसके बाद दिव्या मदेना ने पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद विधायक मदेना ने सीएम से मुलाकात कर सारी बात बताते हुए सुरक्षा देने की मांग की थी। विधायक दिव्या मदेना ने खुद भी ट्वीट कर इस तरह के आरोप लगाए थे कि उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में विधायक दिव्या मदेना की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर सोशल मीडिया पर इस घटना की लोगों ने आलोचना की थी। इसके साथ ही इस हमले के बाद मारवाड़ का सियासी पारा गर्म हो गया था। इस घटना के बाद सचिन पायलट ने घटना की कड़ी निंदा की थी। इसके बाद खुद दिव्या मदेना ने भी इस विषय को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। साथ ही सीएम गहलोत को ट्वीट कर सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अगले 2 महीने के लिए विधायक दिव्या मदेना को तुरंत प्रभाव से बाय कैटेगरी सुरक्षा देने के आदेश राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी के डीआईजी ओम प्रकाश ने जारी किए। अब ओसिया विधायक दिव्या मदेना को अगले 2 महीनों के लिए बाय कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराई जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि दिव्या मदेना जो जोधपुर ग्रामीण के ओसिया से विधायक है, उनके जीवन को होने वाले संभावित खतरों के मद्देनजर वर्तमान में दी जा रही सुरक्षा के अलावा अगले 2 महीने की अवधि के लिए बाय श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।